नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ECR क्या है और इसके क्या लाभ हैं। आज की वीडियो में हम आपको ECR पूरा करने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं और सर्विसेज टैब में फॉर एम्प्लॉयर्स पर क्लिक करें। फिर ऑनलाइन ECR अथवा चालान सबमिशन अथवा OTCP पर क्लिक करें। इसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद पेमेंट टैब पर जाकर ECR अपलोड पर क्लिक करें। ECR अपलोड पर क्लिक करके आप नियमित ECR और एरियर ECR दोनों ही फाइनल अपलोड कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया इन 5 चरणों में होती है। अपलोड डेटा, वेरीफाई ECR स्टेटमेंट, प्रिपेयर चालान, फाइनलाइज चालान और पे चालान। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला चरण है अपलोड डेटा। ECR या एरियर फाइल के अपलोडिंग के समय इन सूचनाओं की जरूरत होगी। वेज मंथ अर्थात उस वेतन माह और वर्ष का चयन करना है जिसकी फाइल अपलोड की जानी है। डेट ऑफ डिसबर्समेंट यानी वेतन संवितरण की तारीख भरें। उसके बाद उस फाइल को चुनना है जिसे अपलोड करना है। इसके पश्चात जिस तरह की फाइल हो उसका चयन करना है। जैसे मासिक फाइल है तो ECR और बकाया भुगतान के लिए एरियर का चयन करें। जहां तक अंशदान की दर का प्रश्न है, ये सामान्यतः 12% होगी और अगर इसे 10% करना हो तो अन्य जानकारी देनी होगी। वे नियोक्ता जो मल्टीपल ECR के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, वे विशेष ECR की पहचान हेतु रिमार्क्स जोड़ सकते हैं। दूसरा चरण है वेरीफाई ECR स्टेटमेंट। एक बार डेटा अपलोड हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर उसे मान्य करेगा और यदि वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो एरर फाइल बन जाती है। इस फाइल को नियोक्ता डाउनलोड कर सकता है और एरर को सुधार कर फिर से अपलोड कर सकता है। यदि वेरिफिकेशन सफल होता है तो PDF में ECR स्टेटमेंट फाइल तैयार हो जाएगी और नियोक्ता इसे डाउनलोड कर सकता है। फिर डेटा को वेरीफाई करने के बाद ECR वेरीफाई कर सकता है। वह फाइल को अस्वीकार भी कर सकता है और फिर से सही फाइल अपलोड कर सकता है। अब अपलोड की गई ECR फाइल के लिए TRRN यानी टेम्परेरी रिटर्न रेफरेंस नंबर जेनरेट हो जाएगा। तीसरा चरण है प्रिपेयर चालान। ECR डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद प्रिपेयर चालान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक समरी शीट खुलेगी जिसमें कुछ और जानकारी भरनी होगी, जैसे टोटल EDLI कंट्रीब्यूशन, टोटल EPF चार्जेस आदि। ये जानकारियां भरने के बाद जेनरेट चालान पर क्लिक करें। चौथा चरण है फाइनलाइज चालान। चालान जेनरेट होने के बाद वह ड्राफ्ट चालान में सूचीबद्ध हो जाता है, जहां नियोक्ता अभी भी चालान को एडिट कर सकता है। यदि डेटा सही है तो नियोक्ता चालान को अंतिम रूप दे सकता है। एक बार अंतिम रूप दिए जाने पर चालान ऑनलाइन भुगतान के लिए सूचीबद्ध हो जाएगा। फिर नियोक्ता को पे पर क्लिक करना होगा। पांचवा और अंतिम चरण है पे चालान। बटन पर क्लिक करने के बाद नियोक्ता को उस बैंक का चयन करना होगा जिसके माध्यम से भुगतान करना है। दिनांक 5 मई 2015 की अधिसूचना के तहत ऑनलाइन पेमेंट करना अनिवार्य है। ऑफलाइन पेमेंट के लिए संबंधित EPFO कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। तो ये थी जानकारी ECR रिटर्न फाइल करने की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप ECR भरने की प्रक्रिया समझ गए होंगे। नमस्कार। तो ये थी जानकारी ECR रिटर्न फाइल करने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ECR भरने की प्रक्रिया समझ गए होंगे। साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए आपको अपने क्रेडेंशियल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अपने सभी सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन पर लाइसेंस धारित एंटीवायरस, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें। अपने सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करके उसकी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं। साथ ही जटिल पासवर्ड का उपयोग करें और उन्हें किसी के साथ साझा न करें। सावधान रहें,
सुरक्षित रहें, देखते रहें हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें। जय हिंद।